हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज मैं आपके साथ में जो रिव्यू शेयर करने वाली हूँ ना, ये होने वाला है एक पील ऑफ मास्क। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं पील ऑफ मास्क होता क्या है। नॉर्मली मास्क होता है जिसे हम अपने फेस पे लगा के सूख जाता है तो उसको वॉश कर देते हैं। लेकिन पील ऑफ मास्क में क्या होता है, जब वो सूख जाता है ना, मतलब ड्राई आउट पूरा हो जाता है, तब आप उसे ना पील करके निकालते हैं। इसका बेनिफिट ये रहता है कि आपके जो छोटे मोटे से मतलब लाइट वाले एकदम ब्लैक हेड या वाइट हेड होते हैं ना, वो भी रिमूव हो जाते हैं। लेकिन जो एकदम जिद्दी वाले आपके अगर ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स हैं, वो नहीं जाएंगे। लेकिन जो छोटू मोटू माइल्ड वाले हैं, वो थोड़े बहुत रिमूव हो जाते हैं। तो यहाँ पे है मेरे पास में गुड वाइब्स का ये पील ऑफ मास्क, जो कि वेरिएंट है इसमें गोल्ड। मैंने इसका चारकोल वाला भी ट्राई किया था, मुझे वो भी बहुत पसंद आया था। वैसे मार्केट में आपको बहुत सारे पील ऑफ मास्क मिल जाएंगे, आपकी पॉकेट के अकॉर्डिंग भी और कॉस्टली वाले भी। तो आपको आपके जो बजट है उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। मैंने चूज़ किया था ये, इवन दो मैं ज़्यादा फैन नहीं हूँ पील ऑफ मास्क की, लेकिन ये मेरा दूसरा पील ऑफ मास्क है जिसे मैं ट्राई कर रही हूँ। और पहले वाला भी बहुत अच्छा था, चारकोल वाला। वो आपके फेस से ना मतलब एकदम क्लीन कर देता है, और जो ऑयल वगैरह होता है ना फालतू का, उसे भी रिमूव करने में हेल्प करता है, और एकदम क्लीन और सॉफ्ट वाली स्किन हो जाएगी। और ये वाला जो है, इसे यूज़ करके ना आपकी स्किन ना मतलब इनहेंस लगेगी, आपको ब्राइटनिंग इफेक्ट देखने को ज़रूर मिलेगा। उस दिन नहीं, नेक्स्ट डे तो मतलब आपकी स्किन आपको खुद ही बहुत अच्छी रेडियंट टाइप फील होगी। मेरे साथ तो हो रहा है, बाकी मे भी चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के बारे में, फिर मैं इसे आपको एप्लीकेशन वगैरह वो दिखा दूंगी कि कैसा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, ये है गुड वाइब्स का गोल्ड ब्राइटनिंग पील ऑफ मास्क। इस तरह की ट्यूब पैकेजिंग में हमें रिसीव होता है, और प्राइस है इसका 209 रुपीज़। लेकिन आपको इसमें डेफिनेटली कोई ना कोई डिस्काउंट ज़रूर मिल जाएगा। सेल्फ लाइफ है इसकी 2 ईयर्स की, और इसमें लिखा हुआ है कि ये जो पील ऑफ मास्क है, ये डार्क स्पॉट्स के अपीयरेंस को लाइट करता है, ब्राइट करता है स्किन कॉम्प्लेक्स को, और यूथफुल ग्लो ऐड करता है आपकी स्किन में। और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। इसे आपको 15-20 मिनट्स तक लगा के रखना है, और इसके बाद में आपको ये निकाल देना है पील करके, जब ये कम्प्लीटली मतलब ड्राई हो जाए तब। अगर आपको कोई भी जैसे टिंगलिंग सेंसेशन या कुछ ऐसा फील होता है ना, तो इसको वॉश आउट कर दे, ठीक है। और यहाँ पे आप इसके इंग्रेडिएंट देख सकते हो, और जितने भी गुड वाइब्स के प्रोडक्ट हैं, इनमें कोई भी पैराबिन नहीं है, मिनरल ऑयल नहीं है, और सल्फेट नहीं है, नो एनिमल टेस्टिंग, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं इसे अब ना आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कितना शाइनी लग रहा है ना, एकदम गोल्ड वाली वाइब्स आ रही है। रिजल्ट भी अच्छा है गाइज, फ्रेग्रेंस भी अच्छी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके इरिटेट करेगी, अच्छी फ्रेग्रेंस है, और ऑल स्किन टाइप इसको यूज कर सकते हैं। और लगाने के बाद में ना आपको ऐसा मतलब इरिटेशन वगैरह फील नहीं होगी, अगर होती है तो प्लीज़ वॉश आउट कर दे। और अगर आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव है ना, तो प्लीज़ एक बार पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। और इस तरह से आपको 15-20 मिनट्स देने हैं, जब तक ये कम्प्लीटली ड्राई ना हो जाए। इसके बाद में आपको पील करके इसको निकाल देना है। पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो मुझे तो बहुत पसंद है ये, क्योंकि मैं इसे दूसरी बार यूज़ कर रही हूँ, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। जिस दिन आप मतलब लगाते हैं उस दिन तो रिजल्ट अच्छा ही है, लेकिन नेक्स्ट डे इसका इफेक्ट और अच्छा आता है। जिस तरह हम फेशियल करवाते हैं ना, क्लीन अप कराते हैं, तो नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट अच्छा आता है, सेम वैसे ही। और अच्छा है गाइस, ट्राई दे सकते हो। अगर हड़बड़ में आपको कहीं जाना है, पार्टीज वगैरह में, फंक्शन वगैरह में, तो आप इसे कर लीजिएगा। 15 से 20
20 मिनट तक आपको रखना है। बाकी स्किन में, मेरी स्किन में तो मुझे कोई भी ऐसे इरिटेशन वगैरह फील नहीं हुई है इसको लगाने के बाद में। स्टार्टिंग में थोड़ा सा माइनर सा लगता है, लेकिन आपको जो टिंगलिंग सेंसेशन है अगर वो कंटिन्यू हो रही है तो आप इसको प्लीज़ वॉश कर लेना। ये था इस प्रोडक्ट का रिव्यू, आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो आपको पता ही है कि क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। अगर आपके कोई भी क्वेरी या कंसर्न्स हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में वो सब मेंशन कर सकते हो। मिलेंगे जल्दी ही अनदर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड कीप हाइड्रेटेड और कीप स्माइलिंग। टेक केयर, बाय बाय।